दुकान में बिक्री बढ़ाने के चार अचूक तरीके जिनसे होगी ताबड़तोड़ कमाई। व्यापार करने वालों की सबसे बड़ी चाहत यह होती है कि उनकी शॉप पर अधिक से अधिक ग्राहक यानी कि कस्टमर्स आएं। हर दुकानदार जानना चाहता है कि कैसे उसकी शॉप पर दुकानदारी बढ़े और इसके लिए वो कई प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दुकान में सभी जरूरी सामान के होते हुए भी ग्राहक नहीं आ पाते। ऐसी कंडीशन में कारोबारियों को कुछ ऐसे टिप्स अपनाने चाहिए जिससे कि उनकी शॉप पर अधिक से अधिक ग्राहक आए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स। तो पहला है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिजनेस किसी भी तरह का हो, ग्राहकों के स्वास्थ्य और उनके लाभ के लिए हर दुकानदार को कुछ न कुछ प्रयत्न करने चाहिए। किसी भी बिजनेस के लिए लाभ जितना आवश्यक है उतना ही उस बिजनेस में व दुकान में साफ सफाई व शुद्धता अति आवश्यक है। दुकान में साफ सफाई होने से ग्राहक भी आकर्षित होते हैं। यदि दुकान पर साफ सफाई ना हो तो ग्राहक दुकान में आना पसंद नहीं करते हैं। हर कोई साफ सुथरे वातावरण में रहना पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में वो दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा रहे तो आप साफ सफाई व शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। याद रखें, ग्राहक जब पहली बार बिजनेस या किसी ऑफिस में जाता है तो सबसे पहले वो वहाँ के वातावरण यानी माहौल को देखता है। उसे क्या लेना है नहीं लेना है ये बाद की बात होती है। तो अगर ग्राहक को दुकान या ऑफिस का माहौल ठीक नहीं लगता या गंदगी दिखती है तो ग्राहक का मन हट सकता है। फिर दूसरा है, ग्राहकों से दोस्ताना व्यवहार करें। किसी भी बिजनेस में ग्राहक ही सबसे बड़ी कड़ी होती है। व्यवसाय में लाभ होगा या हानि इसका निर्णय ग्राहक ही लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाता है तो उसकी उम्मीद होती है कि उसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाए। किसी भी दुकानदार को अपने यहाँ आने वाले ग्राहकों से मुस्कुराते हुए बात करना चाहिए। यदि ग्राहक कोई ऐसा सामान मांगता है जो आपके पास नहीं है, फिर भी उसे हमेशा मुस्कुराकर ही जवाब दें। कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक एक प्रोडक्ट लेने आता है और वो कई सारे ढेर प्रोडक्ट निकलवा लेता है और फिर एंड में एक ही प्रोडक्ट लेता है। ऐसे में कई बार दुकानदार चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको ऐसा करने से बचना है। यदि आप चाहते हैं कि ग्राहक आपके काम को सराहे और आपकी दुकान पर बार बार आए तो हमेशा ग्राहक से मुस्कुराकर बात करें। फिर तीसरा है, रोशनी की पूर्णतः व्यवस्था करें। आपने किसी पार्टी या शादी समारोह में देखा होगा कि रंग बिरंगी लाइट से चारों ओर एक अलग सा खुशनुमा माहौल रहता है। वातावरण एकदम हर्षोल्लास से भरा हुआ लगता है। शॉप हो या किसी कारोबार की ऑफिस, दोनों ही स्थानों पर अच्छी लाइट का इंतजाम बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में बहुत सारी लाइट्स होती है और वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ पर ग्राहक आकर्षित होते हैं। तो यदि आप अपनी दुकान पर भी ऐसी ही लाइटों का इंतज़ाम करेंगे जिससे आपकी दुकान पर पर्याप्त रोशनी हो तो ग्राहक आपकी दुकान से आकर्षित होंगे। दुकान या व्यापार के ऑफिस में लाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है। इससे शॉप या ऑफिस की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही ग्राहकों को आकर्षित करने में भी मदद मिलती है। फिर चौथा होता है, समय समय पर छूट का ऑफर देते रहें। ऑफर डिस्काउंट किसी भी चीज़ का हो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुकान हो या बिजनेस, आपको भी छूट का ऑफर देते रहना चाहिए। छूट का ऑफर देने के कई ऐसे तरीके हैं जिनको अपनाने से आपका मुनाफा कम भी नहीं होगा और सामान भी बिक जाएगा। जिन सामानों में मार्जिन अधिक हो या जो सामान बहुत समय से ना बिक रही हो उस पर कुछ छूट का ऑफर दे सकते हैं, जिससे सामान भी बिक जाएगा और ग्राहक भी खुश रहेंगे। याद रखें, किसी भी सामान में जब डिस्काउंट मिल रहा होता है और प्रोडक्ट अच्छा होता है तो ग्राहक उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं। यदि किसी दुकान पर कई बार ऑफर दिया जाता है तो उस दुकान पर ग्राहक बढ़ जाते हैं, पुराने ग्राहक भी बंधे रहते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।